हेलो फ्रेंड्स, कसा काय। मैं हूं आपका रफ़ी सर और आज मैं बात करूंगा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ बेस। और उसमें भी जो नॉन मेटल हैं वो फिक्स हैं, आइदर फॉस्फोरस की रिएक्शन हम बेसिक मीडियम में कराएंगे या सल्फ़र की रिएक्शन या हेलोजन की रिएक्शन बेसिक मीडियम में। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो फॉस्फोरस वाला, ये ज़्यादातर पूछा जाता है, और हेलोजन वाला ये भी ज़्यादातर, ये दोनों नॉन मेटल की रिएक्शन विथ बेसिक मीडियम में पूछा जाता है। तो उसको हम कैसे याद रखेंगे, उसके लिए सिंपल मैं ट्रिक्स देने जा रहा हूँ कि ध्यान से देखो। बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम को कैसे देखा सकता है कि OH माइनस दे दिया, या pH का वैल्यू 7 से ज़्यादा कर दिया, या फिर आपको ऐसे भी बोल सकता है NOH दे दिया, कोई भी बेस आपको दे दिया और उसकी रिएक्शन नॉन मेटल से कराएंगे तो क्या होगा। तो फास्फोरस के केस में हो या सल्फर के केस में हो या हेलोजन के केस में हो, इन तीनों ही केस में एक लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आपको कंपाउंड बनाना है। फास्फोरस के केस में PH3 फॉस्फीन गैस बन जाएगी, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि उसका लोएस्ट हो सकता है -3 है। सल्फर के केस में लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो सकता है, तो जो भी कैटायन होंगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो Na2S आ जाएगा, सोडियम सल्फाइड। नाउ हेलोजन के केस में लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो सकता है, तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा तो NaX। और हेलोजन के केस में दो कंडीशन हमने बनाया, क्योंकि इसमें दो कंडीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर OH- आपने कोल्ड कंडीशन में लिया और डाइल्यूट लिया तो भी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही मेंटेन करना है, और अगर आपने NOH हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन में लिया तो भी आप लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेंगे। तो एक आपको आइडिया मिल गया कि अगर नॉन मेटल की रिएक्शन बेस से कराएंगे तो एक लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनेगा। फास्फोरस के केस में PH3 लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -3, सल्फर के केस में सल्फाइड -2, हेलोजन के केस में हेलाइड -1। नाउ नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जो इसका, जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट से ज़्यादा ही होगा, ये कहने का मतलब, तो आपको बनाना है +1 फास्फोरस के केस में। और इसका हमने ऑक्सोसिड में नेमिंग में आपको तरीका भी दिया था कि ये जो आपका है वो हाइपो फास्फोरस एसिड है। और सल्फर के केस में आप बनाएंगे H2O3 2- डेट इज थायोसल्फेट। और हेलोजन के केस में अगर कोल्ड कंडीशन में है, डाइल्यूट कंडीशन में, तो हेलोजन +1 में चला जाएगा XO-, और अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन में है तो हेलोजन +5 में चला जाएगा XO3-। नाउ इसको याद कैसे रखेंगे, तो यू नो फास्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31, तो उसी से मैंने कनेक्ट कर दिया इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को, 3 और 1। फास्फोरस का एटॉमिक वेट होता है 31, तो जब फास्फोरस की रिएक्शन बेसिक मीडियम में कराएंगे तो एक बार फास्फोरस -3 में चला जाएगा और एक बार फास्फोरस +1 में चला जाएगा। सल्फर के केस में -2 + 2 दोनों ही सेम है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ध्यान रखना, एक बार -2 और एक बार +2 एवरेज में। हेलोजन के केस में अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट है तो -1 + 1 दैट मीन्स 1 यू कैन से, उसके आगे +- लगा देंगे, इसके आगे +- लगा देंगे। बट अगर हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन में है तो -1 तो है ही, और दूसरा +5, क्योंकि यू नो हेलोजन के केस में एक वर्ड जो हमने लगाया था वो 5 में ही लगाया था। तो ये आप उसके प्रोडक्ट को कैसे याद रख सकते हो उसके बारे में हमने आइडिया दिया, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर बार एक ना एक होता ही है। नाउ अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे P4 की रिएक्शन में बेसिक मीडियम में करा रहा हूँ, एक्वस NOH लिया हुआ है, तो यू नो कि प्रोडक्ट आपको मालूम ही हो गया कि एक आपको बनाना है PH3 और एक बनाना है, चूँकि यहाँ पर सोडियम कैटायन है, तो NaH2PO2। नाउ अगर रिएक्शन को बैलेंस करना हो तो भी आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास 4 फास्फोरस हैं, और जबकि यहाँ पे 1 फास्फोरस हो गया है, तो यहाँ पे आप 3 लगा दें तो टोटल 4 फास्फोरस हो जाएंगे। नाउ जो Na है वो 3 हो गया, तो यहाँ भी 3 NOH कर दें, और जो हाइड्रोजन है वो 6 और 3 9 हो गए, यहाँ ऑलरेडी आपके 3 हैं तो यहाँ पे भी 3 कर दें, तो ये 3 3 3 रहेंगे, सिर्फ 1 आपका इसके आगे रहेगा
और वन इसके आगे रहेगा, बाकी सब तीन 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 है। ध्यान से देखो तो इसका नेमिंग भी बताया था, इसका नेमिंग हो जाएगा सोडियम और ये हाइपो फॉस्फोरस एसिड से, हाइपो और अस वाला है तो आइट लगाना है, तो क्या हो जाएगा फॉस्फाइट। तो ये बैलेंस रिएक्शन भी ध्यान रखना है, कई बार इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे गए। नाउ अगर मैंने क्लोरीन लिया है, यहाँ पे ब्रोमीन भी होता है तो सेम टाइप की रिएक्शन, आयोडीन होता तो भी सेम टाइप की रिएक्शन, तो क्लोरीन की रिएक्शन अगेन बेसिक मीडियम में और कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन लिया है, तो एक तो आपको NaCl बनाना है, क्लोरीन को -1 में ले जाना है, और एक बार आपको NaOCl बनाना है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर यहाँ पे कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्लोरीन आपका 2 हो चुका है, सोडियम 2 हो गया है, तो यहाँ पे 2NaOH करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब बैलेंस हो गया आपका। नाउ अगर उसी क्लोरीन की रिएक्शन अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड से हॉट एंड कंसंट्रेटेड कंडीशन में कराएंगे, तो अगेन एक तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला NaCl, Cl पे -1 ये आपको बनाना है, दूसरा जो बनेगा वो NaClO3 बनेगा और प्लस वाटर आपको बनाना है। रिएक्शन को अगर बैलेंस करना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये क्लोरीन +5 में आया है और ये क्लोरीन -1 में आ चुका है, तो जो +5 वाले हैं वो आपके इस साइड मल्टीप्लाई जाएंगे और 1 वाले इधर, तो आपको यहाँ पे 5NaCl करना है। इस 5 को मैंने इधर कर दिया और इसका 1 को मैंने इधर कर दिया, तो टोटल Cl आप ध्यान से देखो तो 5 और 1 6 हो गए, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 3Cl2। Na देखो तो 5 और 1 6 हो गए, तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 6NaOH, और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन हो गए 6, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा 3। अब आप ऑक्सीजन बैलेंस करना चाहो तो हो जाएगा 3+3 6, यहाँ 6। तो रिएक्शन को बैलेंस भी कैसे करना है और कैसे प्रोडक्ट बनाना है उसको मैंने एप्लीकेशन लेकर के समझाया है। नाउ जाते जाते अब एक ज्ञान की बात और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे फास्फोरस आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे वो -3 में आया और यहाँ पे वो +1 में आया। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन आपका 0 में था, यहाँ पे ये -1 में आया और यहाँ पे ये +1 में आया। सिमिलरली यहाँ क्लोरीन आपका 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, यहाँ पे ये -1 में आया और यहाँ पे ये +5 में आया। तो अगर एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और रिड्यूस भी हो रहा हो, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखें तो फॉस्फोरस आपका रिड्यूस हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो फॉस्फोरस आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो वैसी रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और रिड्यूस हो रहे हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम एक स्पेशल नेम देते हैं, डैट इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है, रेडॉक्स में ये बातें होती हैं। तो वैसी रिएक्शन जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो एंड रिड्यूस भी हो, तो ऐसी रिएक्शन को डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और जितनी नॉन मेटल की रिएक्शन इन बेसिक मीडियम में सब की सब डिसप्रोपोर्शनेशन है। तो आई होप ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा और ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस कई बार प्रॉब्लम पूछे गए, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम बात करेंगे इससे रिलेटेड PYQs के बारे में।